नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। पिछले एक महीने में मोदी का यह दूसरा महाराष्ट्र दौरा है। वह 30 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर गए थे, जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी मांगी थी। उसके साथ ही 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। पालघर में पीएम मोदी ने सिडको ग्राउंड में 30 अगस्त को 76,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। इसमें वधावन प्रोजेक्ट भी शामिल है। मोदी ने उद्घाटन करने के बाद कहा, महाराष्ट्र का विकास मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज भारत की प्रगति में महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र विरोधी दलों ने आपके विकास पर हमेशा ब्रेक लगाने की कोशिश की। मोदी ने कहा, हमारे देश को वर्षों से दुनिया के साथ व्यापार के लिए एक बड़े और आधुनिक पोर्ट की जरूरत थी। इसके लिए महाराष्ट्र का पालघर ही सबसे उपयुक्त जगह है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 60 वर्षों तक लटका कर रखा गया। इतने जरूरी काम को कुछ लोग शुरू नहीं होने दे रहे थे। मोदी ने पालघर में लगभग 1560 करोड़ रुपए की लागत से 218 फिशिंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। इसका उद्देश्य फिशिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की मदद से फिशिंग सेक्टर में 5 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी ने करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। इसके जरिए 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीन और मोटर से चलने वाली मछली पकड़ने के जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोर्टर लगाए जाएंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।